ये माला को आपको ऐसे लेना है, इसको कहते हैं सुमेरु। ये है सुमेरु, जो फुदना है ये सुमेरु कहते हैं, इनको मन का कहते हैं। मोती ये जो है ये मन का है, ये सुमेरु। आपको इस उंगली का प्रयोग नहीं करना है, ये दो उंगलियों का प्रयोग नहीं करना है, इन तीन उंगलियों का प्रयोग करना है। ऐसे लेना है, अंगूठा से पकड़ना है। ये जो पैंती उंगलियां है छोटी उंगली के ऊपर वाली, इस पर आपको रखना है। बीच की मध्य की उंगली से जाप करते हो, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, रामाय नमः, रामाय नमः, रामाय नमः, रामाय नमः। जो भी आप मंत्र का जाप करते हो, अमुक मंत्र का जाप आपको करते जाना है। गोमुखी या वस्त्र के अंदर ढककर रखना है, माला कोई देख ना पाए। हमेशा ये जो वक्ष स्थल है, इसको कहते हैं छाती या वक्ष स्थल के नजदीक तक मध्य में रहे, मंत्र का जाप करते रहना, ध्यान एकाग्रता रखनी है। जैसे ही आप सुमेरु के पास आ जाए, अगर आप माला पूरी कर रहे हैं तब तो प्रणाम कर रहे हैं, अगर आप माला पूरी नहीं कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो आपको ये नाकना नहीं है सुमेरु। ये बहुत ध्यान देने योग्य कि सुमेरु को नाकना नहीं है, उसके बाद में तुरंत ठीक फिर पलटा दे ये माला। प्रातः काल सायं कभी भी कर सकते हैं माला को प्रणाम। जल से जल, ये जो सुमेरु है सुमेरु में जल तिलक चंदन लगाना, और फिर सुमेरु को ऐसे मस्तक पर लगाकर कि गोमुखी में सुरक्षित पवित्र जगह पूजा स्थल पर आपको रख देना। ऐसा करने से माला का संपूर्ण प्रतिफल अमुक साधक को प्राप्त होता है। मंगलवार के व्रत के बारे में आपने हमसे पूछा है। मंगलवार का व्रत प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व में उठ जाना है, स्नान आदि निवृत्त करने के बाद में बागे श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करना है, उनका दर्शन करना है। हनुमान चालीसा आदि पाठों का जो भी आप पाठ का नियमावली पद्धति में लिए हो उनका पाठ करना है, और व्रत के पूरे दिन कोशिश करें कि कम से कम लोगों को स्पर्श हो। व्रत के पूरे दिन नाखून नक्सिक यानी बाल नाखून छोर कर्म नहीं करना, ना काटना है, और पूरे दिन स्त्री स्पर्श बहुत कम हो, रेयर स्पर्श का मतलब पुरुष स्पर्श भी बहुत कम हो। जितना कम स्पर्श होगा उतनी ज्यादा आप ऊर्जा को संचय कर पाओगे। ऊर्जा का मतलब तेज पावर, हनुमान जी की कृपा। हमसे लोग पूछते हैं कि आप प्रणाम छुबा करके स्पर्श करके क्यों नहीं करवाते, उसके पीछे कारण है कि जो तेज है ना उस पर थोड़ी दिक्कत जाती है। जब हम बहुत कम लोगों को स्पर्श होते हैं तब हमारी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बहुत तेज हो जाती है। स्पर्श से पावर ट्रांसफर हो जाता है। पावर ट्रांसफर का मतलब शास्त्र में आया शक्ति पा, जिसे अंग्रेजी में पावर ट्रांसफर कहते हैं। इसलिए कम लोगों को स्पर्श करें। सायंकाल सूर्य अस्त के पहले अपने हाथ से अगर आप भोजन करते हो तो अपने हाथ से बना करके भोजन पवाओ, एक ब्राह्मण को पवाओ, मंदिर के पुजारी को पवाओ, पूजा पाठ फिर आरती करो, फिर जय जयकार करो हनुमान जी की, सीताराम नाम का कीर्तन गाओ। ऐसा मंगलवार का व्रत करने से संपूर्ण मंगलवार के व्रतों का फल प्राप्त होता है। आपने तीसरा प्रश्न पूछा एकादशी का, एकादशी का पूछा ना जी गुरु जी। एकादशी का व्रत आप जैसे चावल नहीं खाना है, एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन करना है, पंचामृत से अभिषेक करवाना है भगवान विष्णु को, और चावल चढ़ाना नहीं है भगवान विष्णु के ऊपर, तुलसी पत्र का प्रयोग करना है। एकादशी के दिन आपको ब्राह्मणों को भोज करना है। तीन काल की संध्या, प्रातः काल दोपहर और मध्यम यानी सायं, तीनों समय पर भगवान का ध्यान करना, माला करना, एकादशी व्रत कथा की पाठ करना, व्रत कथा को सुनना, और द्वादश अक्षर मंत्र जो तुमने कहा कि हम शरणागति लिए हैं, तो जो द्वादश जो आपको गुरु मंत्र मिला है उस मंत्र का आप जाप करो, और दिन भर जाप करो, और सायंकाल अगर एक टाइम भोजन करते हो तो सायंकाल ब्राह्मण भोज कराकर कन्या भोज कराकर और फिर आप प्रसाद पाइए फिर। और वैसे तो एकादशी को प्रसाद नहीं पाना चाहिए, अगर शास्त्र मान्यता सुने तो एकादशी को व्रत फल प्रसाद नहीं पाना है, द्वादशी को व्रत का पारायण करना है यानी दूसरे दिन। ऐसा करने से एकादशी का फल प्राप्त होता है।